डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है या कोई भी एक रिएक्शन होगी उसमें हो क्या रहा है देखो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है यही होती है केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है

ग्राफ बनेगा कंसेंट्रेशन का वैसे ही प्रोडक्ट जो है इनिशियली उसकी कंसेंट्रेशन जीरो है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है इनिशियली तो जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी विद टाइम तो उसका ग्राफ जो होगा टाइम के साथ में इस तरह से कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती हुई जाएगी ठीक है तो ये ग्राफ आ गया आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन का और ये आ गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का तो इस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ठीक है अब देखो हमें बताना है इस केमिकल रिएक्शन का रेट रेट का मतलब स्पीड जिस तरह से अगर हम एक किसी व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की स्पीड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल में व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में है ना वैसे ही केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है डिक्रीज किसकी हो रही है रिएक्टेंट की और इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की तो हम इस कंसंट्रेशन का जो इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है उसको टारगेट करके हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि रिएक्शन कितनी फास्ट है कितनी स्लो चल रही है तो सिंपल हम यह बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा रेट जो होगा वो किसके बराबर होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन किसकी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन विद टाइम क्योंकि रेट बता रहे हैं तो टाइम के साथ में टाइम टेकन ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन का रेट बता सकते हैं कि वो किस स्पीड से चल रही है, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्शन चलेगी, उसी स्पीड से आपके पास इनकी कंसेंट्रेशन का चेंज आएगा, ठीक है? तो अगर हम, तो इसका मतलब

डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है कितनी डिक्रीज हुई कितने टाइम में टाइम टेकन या टाइम इंटरवल कितने टाइम में ये डिक्रीज हुई कंसेंट्रेशन जो भी आपने कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है उसको जो ऑब्जर्वेशन आपने ली है वो ऑब्जर्वेशन कितने टाइम इंटरवल के लिए है अगर उसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वैसे ही रेट हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन विद टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज फॉर दिस केमिकल रिएक्शन जनरल रिप्रेजेंट जो की हमने ठीक है तो इस तरह से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं अब देखो इन दोनों से जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होंगे उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं तो एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है सपोज करो हम इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो सपोज करो हमारे पास थी 10 मोलर 10 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन थी और कुछ टाइम इंटरवल के बाद सपोज करो टी टाइम इंटरवल के बाद में फाइनल कंसंट्रेशन हमने देखी 5 मोलर तो कितनी चेंज कंसंट्रेशन की आई हम कैसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 10 अपॉन टाइम कितना लिया टी तो ये क्या आ गया हमारे पास minus -5 t तो हमारे पास एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा तो हम रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा है ना स्पीड ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी वो हमेशा में आनी चाहिए तो उसमें क्या होगा क्योंकि रिएक्शन आपके प्रोसीड कर रही है ना किसी ना किसी रेट के साथ तो प्रोसीड कर रही होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट की टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम नेगेटिव साइन लगाते हैं सिंपल से ठीक है तो इस तरह से आपने सिर्फ एक ध्यान रखना कि जब रैक्टर्न की कंसेंट्रेशन के टर्म्स में आप, आप रेट ऑफ रैक्शन को डिटरमाइन करो तो नेगेटिव साइन लगाएंगे ठीक है वो क्यों लगाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए ठीक है नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आपने इधर लगाया हुआ पहले से negative, negative, हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इंक्रीज हो 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 होती जा रही है ना तो उसकी हमेशा आपके पास वैल्यू जो होगी पॉजिटिव आएगी तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट दिस इज चेंज मीन्स डेल्टा

अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये तो हमने एक सिंपल रिएक्शन लिखी थी अगर हम एक केमिकल रिएक्शन ऐसी लें जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं या सिंपली हम ये बोले जैसे एक रिएक्शन लेते हैं जैसे प्लस टू बी गिव थ्री सी हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो ए की कंसेंट्रेशन, ए के एक मोल्स एक मालिक्यूल बी के दो मालिक्यूल यू थ्री मालिक्यूल्स ऑफ सी तो अगर इस तरह की जनरल कोई रिएक्शन आ जाती है मींस जिसमें कोफिशेंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो अलग अलग हैं तो उस केस में हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे देखो हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को टारगेट करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं जितनी स्पीड से कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसी स्पीड से आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा मगर इधर प्रॉब्लम क्या है कि जिस स्पीड से ए डिक्रीज होगा उससे डबल स्पीड से बी डिक्रीज होगा क्यों होगा क्योंकि इसका एक मालिक्यूल रिएक्ट कर रहा है इसके दो मालिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में ये डबल स्पीड से डिक्रीज होगा ठीक है तो अगर हम इधर से रेट ऑफ निकाल लेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही होगा मगर जब इधर से निकालेंगे तो जो बी की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है वो टू टाइम्स हो रही होगी और स्पीड ऑफ एक्शन होगी वो वन टाइम होगी मतलब स्पीड ऑफ एक्शन से वो डबल होगा क्यों होगा क्योंकि इसके टू मॉलिक्यूल एट ए टाइम डिक्रीज हो रहे है सेम केस सी के लिए होगा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में थ्री टाइम्स जो होगा रेट ऑफ अपेयरेंस हो रहा होगा मतलब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन चेंज जो हो होगी वो थ्री टाइम्स ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन से तो हमें जब इस तरह से रेक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए हैं केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन में में इस तरह की केमिकल आती है उस केस में हम रेट किस तरह से निकालते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए अगर लिखना होगा तो वो कैसे बताएंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन सिंपल और नेगेटिव साइन है क्योंकि ये रेक्टेंट वाले साइड की स्पीशीज है मगर जब बी की टर्म्स में बताना होगा रेट अगर बी के बी की कंसेंट्रेशन को टारगेट करते हुए आप रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहते हो तो उस केस में हम क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और जो बी की कंसेंट्रेशन जो चेंज हो रही है उसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे वन अपॉन टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन समझ रहे हो क्योंकि दिस इज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी जो एक्चुअल चेंज जो बी की, की कंसेंट्रेशन में आ रही है वो टू टाइम्स है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रो टू मॉलिक्यूल डिस्पेयर हो रहे हैं एक स्टेप ऑफ द रिएक्शन में तो हम उसको इसके रेट ऑफ डिसअपेयरेंस को वन बाई टू से डिवाइड कर लेंगे इसी के कोफ़िशिएंट से डिवाइड कर लेंगे तो ये एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा साइंस सिर्फ हमें नेगेटिव लगाना वो क्यों लगाना है क्योंकि साइड पे है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ठीक है वैसे ही अगर रेट बताना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सी तो उसके लिए हम कर लेंगे वन पॉइंट थ्री क्योंकि वो थ्री टाइम्स ज्यादा हो रहा है

रिएक्शन की कितनी स्पीड है बात समझे अब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गैसी स्टेट में है तो गैसी स्टेट में क्या करेंगे हम रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो स्टेट है फिजिकल स्टेट है अगर वो गैस में है तो हमने सीधा उधर कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लेंगे उस गैस का प्रेशर लेंगे मगर कंडीशन एक होनी चाहिए कि टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए तो जिस स्पीड से पार्शियल प्रेशर गैसेस का चेंज होगा रिएक्टेंट या होंगे हो तो सिंपली तो हम तो हमें रिएक्शन के लिए क्या करना है इधर कंसेंट्रेशन लिया उधर पार्शल प्रेशर लेना है के लिए। समझ गए तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट कि कि किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द देख लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि इसके यूनिट्स क्या रहेंगे यूनिट्स ऑफ रेट अभी हमने देखा रेट किसके बराबर है कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन है ना तो रिएक्टेंट की उसमें ले लेते हैं टर्म में और टाइम इंटरवल अब मुझे बताओ कंसंट्रेशन का यूनिट क्या रहेगा यूज़ली मोलैरिटी तो क्या होगा हमारे पास इसका यूनिट क्या रहेगा मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर ये रहेगा और टाइम का यूनिट क्या रहेगा चेंज इन टाइम टाइम का यूनिट या तो मिनट होगा या तो सेकंड होगा मिनट रख लो आप तो इसका यूनिट क्या बन गया ओवरऑल मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स या इधर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अगर टाइम सेकंड में लिया हुआ तो इस तरह से इसका यूनिट निकल जाएगा आपको इसी के साथ में हमारे पास दो टर्म्स और हैं रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखो इनको देख लेते हैं एवरेज और साथ में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है देखो इसको एक चीज से समझते हैं सपोज करो आप स्पीड निकाल रहे हो किसी गाड़ी की या किसी व्हीकल की मूव कर रही है तो उसकी अगर आप स्पीड बताते हो स्पीड हमारे पास जब आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो सपोज करो ए से लेके बी तक की जर्नी है गाड़ी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इस तरह से बी तक पहुंच गया तो अगर हमें ए से लेके बी तक गाड़ी की कितनी स्पीड रही तो हम उसको कैसे निकालेंगे ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है ना ये आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल स्पीड इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड अब हमारे पास एवरेज स्पीड करो आती है 40 किलोमीटर पर आवर अब जैसे ये व्हीकल यहां से मूव कर रही होगी तो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं होगी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड uh, होगी है ना जब आप उसका ओडोमीटर जो होता है स्पीडोमीटर होगा उसका उसको अगर चेक करोगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसमें स्पीड की मेजरमेंट आ रही ठीक है तो ये जो दो चीजें हैं एक एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस हो गया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब टाइम इंटरवल में कितनी स्पीड थी उसको बोलेंगे उसी तरह एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रैक्शन होगा मींस ओवरऑल अगर रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो उसके लिए टाइम इंटरवल लग रहा है

अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालें पर्टिकुलर टाइम में छोटा सा टाइम इंटरवल लें अगर हम उसमें देखें कि कितनी कंसेंट्रेशन चेंज हुई रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे एक में, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो इन दोनों में फर्क क्या है ये एक लार्ज चेंज है ये एक स्मॉल चेंज इसमें टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है इसमें टाइम इंटरवल जितना कम हो जितना कम आप ले सकते हो उतना लो ठीक है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन हो रही है उस टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ रहा होगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस इसमें टाइम इंटरवल आपको बहुत बहुत स्मॉल कर देना है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेना और वो टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए ठीक है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होगा हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा

हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे थे ऑब्जर्वेशन से कंसेंट्रेशन कितनी चेंज हुई उस हिसाब से आप इसको कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकली भी डिटरमाइन कर लेते हैं तो अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा ग्राफिकली डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा जो रिएक्शन जिस तरह से प्रोसीड कर रही है उसका ग्राफ और रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अब जिसकी कंसंट्रेशन को टारगेट करने टारगेट करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो उसका पहले आप ग्राफ बनाओगे सपोज करो हम रिएक्टेंट का को टारगेट करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन किस तरह से वेरी की विद टाइम उसका ग्राफ बनाएंगे फिर हम उधर से देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उस ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका ग्राफ

एक कर लेते हैं t1, वन एक कर लेते हैं t2, ठीक है एक t1, एक t2, इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इस टाइम इंटरवल में कितनी कंसेंट्रेशन थी उसको टारगेट करेंगे इस टाइम इंटरवल में कितनी कंसेंट्रेशन है इलेक्ट की डिक्रीज होती हुई आ रही है ना सपोज करो ये कंसेंट्रेशन है इसको रख लेते हैं सी टू इस टाइम इंटरवल में कंसेंट्रेशन रेक्टेंट की कितनी है C2 और इस टाइम इंटरवल में डायरेक्टली इससे ऊपर जाएंगे और देखेंगे कंसेंट्रेशन रेक्टेंट की कितनी है इधर है तो ये आगे हमारे पास इधर रखते हैं C2 और इसके टाइम वन पे कितनी कंसेंट्रेशन है C1 अब इधर से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं हम ये ग्राफ किसका है रेक्टेंट के कंसेंट्रेशन का ग्राफ है ठीक है टाइम टाइम पे C1. पे कितनी थी जब हमने देखा तो कंसेंट्रेशन कितनी है सी टू तो अब चेंज इन कंसेंट्रेशन टाइम उसको हम निकालेंगे उधर से हमें निकल जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहां पे सीधा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इधर क्या हो जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन

है ना प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये कंसेंट्रेशन है ये टाइम है तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखना है तो ये टी वन पे कितनी कंसेंट्रेशन थी टी टू पे कितनी कंसेंट्रेशन थी है ना इस केस में क्या होगा टाइम वन पे कम कंसेंट्रेशन होगी टाइम टू पे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो हम करेंगे टी टू और सी टू माइनस सी वन इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी निकल जाएगा तो हमने प्रोडक्ट को भी टारगेट करके या रिएक्टेंट को भी टारगेट करके ग्राफ से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं अब बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल में या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो कैसे निकालेंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ इसी ग्राफ को लेते हैं इनको सेव कर लेते हैं हम पहले देखो देखो अब ग्राफ बनाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो ग्राफ सेम अगर रिएक्टेंट को टारगेट करेंगे ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा है ना

इस पॉइंट पे ग्राफ के इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है क्या करना है टेंजेंट ड्रा करना है मतलब इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन जो निकलेगी टेंजेंट ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया यहां पे इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वहां से आपको मिल जाएगा क्या इस टेंजेंट के स्लोप से आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस ग्राफ के स्लोप से अब ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है स्लोप होता है टेन थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यहां करोगे आप जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी यहां से लेके यहाँ तक तो जो वैल्यू होगी यहां से लेके यहाँ तक तो जो वैल्यू होगी टाइम की इसको अगर डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंट रेट वो किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है ठीक है यहां से लेना है. तो A, B, C रख लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा यहां पे ए बी अपॉन ए सी सिंपल स्लोप ऑफ द टेंजेंट उस टाइम इंटरवल पे आपने स्लोप ड्रा करना है उस ग्राफ के साथ टच करते हो उस पॉइंट पे जिस टाइम इंटरवल पे आप उस रेट ऑफ रिएक्शन को बताना चाहते हो ठीक है तो उससे आपने टेंजेंट ड्रा किया उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा स्लोप का मतलब टैन थीटा, थीटा है ना? ये थीटा बनेगा, इसका टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस

दो टाइम इंटरवल में दो कंसेंट्रेशन को लेके करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं बाय ड्राइंग द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टेंजेंट ड्रा करके आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं तो ये सारा कंसेप्ट आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आप नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ठीक है चलो